कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही डिक्की तोड़कर लूटे 3 लाख रुपए बरामद कर लिए। दरअसल 24 दिसंबर को न्यू मार्केट के सेंट्रल बैंक से जमीन खरीदने के लिए कोड़ा के शिक्षक रामाशंकर चौहान ने 3 लाख रुपए निकलवाए थे। वो उन पैसों को बाइक की डिक्की में रखकर पास की दुकान में बिस्किट खरीदने गए। इसी बीच चंद मिनट में ही पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने उनकी डिक्की तोड़ 3 लाख रुपए उड़ा लिए, साथ ही साथ उनके कुछ जरूरी कागजात भी गायब कर दिए थे। इसी पर सख्त कार्रवाई करते हुए कटिहार पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को धर दबोचा। 24 दिसंबर को नगर थाना क्षेत्र से बैंक के पास से एक डिक्की तोड़कर 2 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा 3 लाख रुपया चोरी कर ली गई थी। उसमें CCTV फुटेज और अन्य पहचान के आधार पर दोनों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से जो चोरी की गई 3 लाख के रुपये की राशि थी वो बरामद कर लिया गया और कुछ कागजात भी उस चोरी में गए थे, आधार कार्ड वगैरह, उसको भी बरामद किया गया। सर, लोग डिक्की में पैसा चोर के जाते हैं, ये कितना? ये तो देखिए, कहीं ना कहीं जनता को भी और जिनका पैसा है उनको भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है और उनको भी सुरक्षित ढंग से पैसा ले जाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा डिक्की में रखा गया था पैसा, इसलिए चोरों को आसानी से ये मौका भी मिला चोरी करने का। 100% उपलब्धि? हाँ, इसमें 3 लाख रुपया चोरी हुई थी, 3 लाख रुपया बरामद। गौरतलब है कि कटिहार के कोड़ा के जुरबगंज के शातिर लुटेरे देश भर में इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी के लिए कटिहार से रितेश की रिपोर्ट।